दुनिया में सबके दिलों का एहसास अलग होता है। दुनिया में सबके दिलों का एहसास अलग होता है। दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो होती है सबकी एक जैसी, आंखें तो होती हैं एक जैसी सबकी, पर देखने का अंदाज अलग होता है, पर देखने का अंदाज अलग होता है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा, स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो जिन बच्चों ने स्फेरिकल लेंस की वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को खत्म होने के बाद में। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज जो आज की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए, उसके रूल्स, तो जिनको भी वो पढ़ना है रूल्स, जिनको नहीं पता है तो वो वहाँ जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बिना रूल के आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, हेडिंग रहेगी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करके। तो कन्वेक्स लेंस आप सभी ने पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस कुछ अभी करने वाले हैं। कन्वेक्स लेंस जो बीच में से कैसा होता है, थिक होता है और कॉर्नर पे से थिन होता है, उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से ये बना दिया मैंने फिगर, आप देख सकते हो। अब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो याद होंगे आपको कन्वेक्स लेंस, एक बार मैं बढ़ा देता हूँ और इसके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, इसी प्रकार से फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, दो फोकस होते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों साइड में, इमेज की दर से बना सकते हैं। तो अब इसमें केस देखेंगे, जैसे मान लो इधर रख लो चाहे इधर रख लो, बात एक ही है। तो चलो मैं एक बार इधर की साइड में रख लेता हूँ, तो एक तो इन्फिनिटी पे रख सकता हूँ, पहला केस याद करिए, पहले भी बताए थे। दूसरा केस हम ऑब्जेक्ट को 2F पे रख दें, तीसरा केस हम फोकस पे रख दें, चौथा केस इन दोनों के बीच में रख दें, पांचवा केस इन दोनों के बीच में रख दें, छठा केस इन्फिनिटी और इसके बीच में रख दें, यही तो केस है भाई। या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिए, या ट्वाइस ऑफ F पे रखिए, या F पे रखिए, तीन केस तो ये हो गए, या इन दोनों के बीच में कहीं पे रख दिया, चार केस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, और एक 2F और इन्फिनिटी के बीच में, तो टोटल लगा के हमारे पास कितने केस है, 6 केस आ गए। इधर से करोगे तो भी वही केस निकल के आएंगे भाई, इन्फिनिटी पे 2F पे, F पे तीन हो गए, एक यहाँ चार, एक इन दोनों के बीच में पांच, और एक इसके और एक इन्फिनिटी के बीच में 6। तो किधर भी रख लो वही 6 केस आने हैं। इन 6 केसों को हम ट्रिक से हेल्प करेंगे, ट्रिक की सहायता से हम इनको सीख लेंगे एक एक करके, जैसे हमने पहले भी पढ़ाए थे आपको, एक एक करके हम आपको ट्रिक बाई ट्रिक हम बात करेंगे इनकी। तो सबसे पहला, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, वैन आप बना सकते हो, वैन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जाएगा, या आप ये लिख सकते हो वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है तो वी विल कंसिडर दैट द लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो लाइट है जो आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, वो क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब ये कन्वेक्स लेंस में से पास होगी तो आपको पता है पहला रूल याद करिए रे ऑफ लाइट का, कि जब कोई लाइट पैरेलल जाती है तो कहां से पास होती है, फोकस से, तो वो फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां रिफ्रेक्टेड लाइट दो रेज एक दूसरे को काटती हैं वहां इमेज बनती है, तो यहां इमेज बनेगी, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन हम दो को ही देंगे क्योंकि दो ही हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि जहां दो लाइनें काटेंगी वहां इमेज बन जाएगी, तो इसलिए दो ही बहुत है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना कि पांच लेंगे, तीन लेंगे, दो लेंगे, दो तक तो ठीक है, दो से ज्यादा लेने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये हमारा केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया तो कट कहां रही है, एप पे, तो यानी कि इमेज कहां बढ़ रही है, एप पे, तो यानी कि इसके करेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहला करेक्टर होगा एट इन एफ, कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी। दूसरा करेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो कैसी बनेगी, जब आपको पहले पता था बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो बहुत छोटा दिखाई देगा, तो बहुत दूर के लिए बहुत छोटा दिखाई देगा, हाईली डिमिनिश्ड, या इसका एक नाम और दिया था वेरी स्मॉल, जो आपको अच्छा लगे, वेरी स्मॉल।
तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि इमेज कैसी बनेगी, तो याद कर लेना कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक केस को छोड़ के, एक्सेप्शन है एक केस, उसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेम करेक्टर आपके वही हैं जो आपने कनकेव मिरर के पढ़े थे, कनकेव मिरर में ऐसे कैसे लिखवा दिए थे इन्फिनिटी वाला केस, वही करेक्टर है, आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जाके आप देखोगे। अगर आपको कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखनी है, मिरर की, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक प्लेलिस्ट बना रखी क्लास टेंथ की, क्लास टेंथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें जाके देखोगे तो आपको आपको मिल जाएगी जो भी आप वीडियो देखना चाहो। तो अलग अलग हमने बना रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला केस हमारा कवर हो चुका है, पहला। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करना चाहें, सेम रूल बता रखे हैं, मेरी वीडियो देखने का यही फायदा है आपको कि अगर इस टॉपिक की वीडियो देखनी है तो मेरी ही देखिए, उससे ये हो जाएगा कि आपको एक टाइप के ही पढ़ने को मिलेगा, जो भी शब्द मिलेगा आपको एक टाइप का ही मिलेगा, ट्वाइस ऑफ। अब मैंने क्या करा दूसरे केस में कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। याद करिए मैंने पहले भी यही पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो इमेज बनती है एफ पे, और जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। उल्टा केस है, ट्रिक यही तो है कि अपोजिट काम करेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, फोकस के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस पे, लाइट पैरल गई, आप सभी जानते हो लाइट जब पैरल जाती है तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। रे की जो डायरेक्शन है एरो से जरूर दिखा देना। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो मैंने आपको बताया था थर्ड ला कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है तो वो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है, ये पास हो गई, तो यू विल ऑब्जर्व दीज लाइन एंड दीज लाइन्स, रे ऑफ लाइट आर पैरल टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दैट्स वाई द इमेज फॉर्मेशन विल बी एट इन्फिनिटी। तो कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इसके कैरेक्टर में लिखना चाहूंगा मैं, कैरेक्टर सबसे पहले इमेज बनी है एट इन्फिनिटी, दूसरे नंबर पे अब आपको बहुत पास आ गया तो वेरी हाईली मैग्निफाइड बोल सकते हैं इसको, यानी कि वेरी लार्ज, हाईली मैग्निफाइड या लार्ज या एनलार्ज, जो भी आपको अच्छा लगे। थर्ड नंबर पे रियल और इन्वर्टेड, ये आपको बता दिया था कि रियल और इन्वर्टेड का केस रहना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हो करेक्टर हमने लिख दिए हैं एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्निफाइड, अच्छे से इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना भैया। तो आप ये उतार लेना भाई सारी इमेजेस, जैसे जैसे मैं उतरवा रहा हूं ऐसे ही उतारना, ताकि आपको याद रहने में बड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहला दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, एक मिनट फटाफट ड्रॉ करिए इमेज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज बनी है कहां पे, फोकस पे, और जब हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी। बहुत दूर थी तो बहुत छोटी दिखाई दी, और बहुत पास आ गई तो बहुत बड़ी दिखाई दी गई, दोनों ही केस में रियल और इन्वर्टेड केस याद हो गए तीनों के तीनों। रूल कौन सा लगाया, पैरल गई तो फोकस से गई, यहां से भी दो लाइटें, हमने दो ही रे लेनी थी, हमने बताया था आपको पैरल जाएगी फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर हो गई। तो ये दो लो बनाए हमने और इस इमेज फॉर्मेशन कर ली। अब हम थर्ड और फोर्थ इमेज फॉर्मेशन करते हैं, थर्ड और फोर्थ कैसे करेंगे देखिए, अभी इसको मिटा देते हैं, आपने उतार ली होगी, बिल्कुल ट्रिक है ये समझ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको एक बार देखनी है, एक बार दिक्कत आई तो दोबारा देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। चलते हैं तो हम बात करते हैं थर्ड केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या बियॉन्ड कर देता हूं पहले, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ एफ, ये पहले बताया था बियॉन्ड सी कहते थे ना, तो अब बियॉन्ड टू एफ आ गया। तो देखिए हम कन्वेक्स लेंस बना देता हूं, ये लो कन्वेक्स लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाला, ये फोकस हो गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया, इसी प्रकार से ये फोकस हो गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया। देखना आपने ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड 2f, पैरेलल लाइट गई, स्केल से आप एकदम बढ़िया खींच कर लोगे, पैरेलल लाइट गई कहां से पास होगी, आप देख सकते हो फोकस से जाएगी, ये रूल आपको याद होने चाहिए
कि जब कोई लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पास हो जाती है फोकस से। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कोई लाइट फोकस से जाती है तो इट विल बिकम पैरेलल, ये पैरेलल हो जाती है और आप देख पाओगे कि फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में ये इमेज बन रही है। तो इसका कैरेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो फर्स्ट नंबर पे कैरेक्टर लिखेंगे, कैरेक्टर है इमेज का। सबसे पहले इमेज कहां बनी, बिटवीन एफ एंड 2f, कहां बनी, बिटवीन एफ एंड 2f। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इंफिनिटी पे थी तो बहुत छोटी बन रही थी, उससे थोड़ी सी पास आ गई तो छोटी बनेगी यानी डिमिनिश्ड बनेगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो आपको बताया था रियल एंड इन्वर्टेड तो रहना ही रहना है केस, वो एक केस आएगा वर्चुअल इरेक्ट का और सबसे लास्ट का, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो देखिए फोर्थ इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट को आप कहां रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f, तो इमेज का बड़ी f और 2f के बीच में, तो प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, उल्टा ही तो काम कर रहे हैं हम लोग कि बियॉन्ड रखेंगे तो बिटवीन बढ़ेगी, बिटवीन रखेंगे तो इमेज कहां बढ़ जाएगी, बियॉन्ड। तो आपको ये याद भी हो जाएगा, एफ पे रखा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा एफ पे, इसी प्रकार से बियॉन्ड 2f रखा तो बिटवीन बनी है देखो, और अगर बिटवीन रखोगे तो बियॉन्ड बन जाएगी। तो बिल्कुल ईजी रह जाएगा इस ट्रिक से याद करना, इसीलिए मैं इस प्रकार से आपको करवा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और यही तरीका मैंने उसमें मिरर में यूज करके बताया था आपको, आप देख लेना एक बार वीडियो। तो देखिए अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ये लो। आप सभी जानते हो कि जो लाइट पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। पैरेलल से फोकस की तरफ गई। अगर मैं यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना चाहूं तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी, थोड़ी सी मुड़ गई ऐसे, सीधा करते हैं इसको, ये लो और यहां जो एक दूसरे को काट रही है ये देखिए, यहां इमेज बन गई, आप देख पा रहे होंगे। पैरेलल लाइट गई फोकस से पास होके गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई ऑप्टिकल सेंटर, जो भी आपको रूल अच्छा लगे वो लगा लो, तीन रूल तो बताए हैं ये लगा लो, लगा दिया। इमेज देखिए कैरेक्टर इसका, फर्स्ट है देखिए ऑब्जेक्ट को कह रहा था बिटवीन एफ एंड 2f, तो इमेज कहां बढ़ रही है, बियॉन्ड 2f, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ एफ। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें 2f पे सेम साइज की बनती, यहां कैसी बन रही थी एप पे, मैग्नीफाइड ना, तो ये हाईली मैग्नीफाइड, तो यहां बढ़ेगी मैग्नीफाइड। इसका जैसे उल्टा है, ये अगर ये छोटी बढ़ रही है तो ये बड़ी, वो बहुत छोटी बढ़ रही है तो बहुत बड़ी, उल्टा उल्टा काम है, और रियल और इन्वर्टेड तो है ही है। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा तो बिटवीन 2f बनी, और बिटवीन 2f रखा तो बियॉन्ड 2 बनी, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद में ये कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, तो ये क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, याद कर लेना बिटवीन f एंड 2f के लिए, रियल और इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, रूल वही है, पैरेलल से गई फोकस से, फोकस से गई तो पैरेलल, यहां से पैरेलल से गई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से गई ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। आप फोकस से भी पास करवा के बना सकते थे, लेकिन मेरे पास था थोड़ा दिक्कत आती, या तो लेंस बड़ा बनाना पड़ता है, इसीलिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके आप इसको लगाइए, ठीक है, क्योंकि इधर से निकालते ऐसे लाइट तो ये यहां से निकलती, तो लेंस थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता, ऑप्टिकल सेंटर से आराम से जा रही बिना किसी परेशानी के, तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक बेटा। तो ये इमेज फटाफट उतारिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चार इमेज हो चुकी है, फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज और बनाने वाले हम लोग, फिफ्थ और सिक्स इमेज। तो अगर हम बात करें फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज की, फिफ्थ नंबर पे केस रहेगा जब ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब जब 2f पे रखेंगे तो,
जैसे सी पे रखते थे तो सी पे इमेज बढ़ती थी, ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ट्वाइस ऑफ एप पे, तो देखिए एक मिरर बना लेंस बना देता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, इसी प्रकार से ये फोकस और ये ट्वाइस ऑफ फोकस। वी विल फाइंड दैट कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, ये पैरेलल रखा, यहां से लाइट पैरेलल गई, ये मिड पॉइंट है ना, यहां से लाइट कन्वर्ज होती कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहां तक क्लियर है? जब कोई लाइट पैरेलल से जाती है तो कहां से पास होती है, फोकस से। अब यहां से मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देता हूं, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी निकल जाती है यहां से, और यू विल फाइंड दैट, इसको ट्वाइस एफ को इधर रख देते हैं, कि ये जहां 2F था वही इमेज बन रही है, जहां 2F था वही आपकी इमेज बन गई। क्लियर हो रहा है कुछ? कि जहां 2F पे ऑब्जेक्ट को रखा तो 2F पे क्या बनी, इमेज बनी। इसको करेक्टर की अगर लिखे हम, पहला करेक्टर लिखिए कि जब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा तो इमेज कहां बनी है, 2F ही बनी। दूसरा, सेम साइज बनेगी, साइज चेंज नहीं होगा क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तीसरे नंबर पे वही रियल एंड इनवर्टेड, ये तो रहता है फिक्स। पांच केस कन्वेक्स कैसे होते हैं, जिसमें कैसे बनते रियल और इनवर्टेड। अब हम वो लास्ट वाला स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, तो इसका डायग्राम बना रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। स्केल से बढ़िया से बनाना, यहां ऑब्जेक्ट को रखना है, लाइट गई पैरेलल कहां से पास हो जाएगी आप जान गए, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये देखिए, ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे थे ना इसको यहां, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रही थी, पैरेलल। लेकिन आप देखोगे कि ये वाली लाइट उधर जा रही है, ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, खुलती हुई जा रही है, ऐसे जा रही है, ये करके ये। तो इस कंडीशन में दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की वजह से क्या हुआ कि हम अपेयर होगा, हमें महसूस होगा कि ये लाइट कहां से आ रही होंगी, इधर से कहीं से आ रही होंगी। इनको यहां से जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ऑब्जर्व होगा कि लाइट कहां से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, और वो जो इमेज है वो यहां दिखेगी आपको, इसके जस्ट पीछे। तो इसका करेक्टर लिखेंगे कहां बनेगी, तो आंसर बिहाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट रखा उसके पीछे बनेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें साइज क्या होगा, तो मैग्निफाइड होगा, बड़ा दिख रहा होगा आपको फिगर में, जब यहां से देखोगे तो मैग्निफाइड होगा। यही वो केस होता है जो पाल्मिस्ट यूज करता है देखने के लिए। तो आगे देखते हैं, मैग्निफाइड हो गया। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो कैसी बनेगी ये, तो आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट दिख रही है, मैग्निफाइड दिख रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये करेक्टर होंगे लास्ट केस के। आप उतार सकते हैं इसको, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, तो इमेज 2F पे बनेगी, क्योंकि पैरेलल गई लाइट फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से गई ऑप्टिकल सेंटर पे। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओ और एफ के बीच में, अगर एफ पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे जाती है, इमेज बढ़ती है, लेकिन इनके बीच में रखते हो तो पैरेलल गई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, जिसकी वजह से वे अपेयर होंगी कि वो इधर से आ रही है। क्लियर होगी बात? अब इमेज फॉर्मेशन आपको छह की छह कन्वेक्स की तो आ गई, अब हम कुछ यूजेस बता देते हैं कि कन्वेक्स जो लेंस है उसका यूज कहां होता है, कन्वेक्स लेंस का यूज कहां होता है। अब यूजेस पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के। तो आपने कन्वेक्स मिरर की छह इमेज बनाई है आपके सामने, आपका काम यही है कि इसको प्रैक्टिस करना भैया, प्रैक्टिस नहीं करोगे इमेज नहीं आएंगी। और एग्जाम के लिए इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम उठा के देखोगे तो वहाँ आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे मिरर की मिलो चाहे लेंस की, तो आपको दोनों ही करनी है अच्छे से, पुरानी वीडियो देख लेना। अगर हम यहाँ से बात करें यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहला यूज क्या होगा लिख लेना,
तो सबसे पहला यूज आप लिखेंगे, पहला इट इज यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। जिसको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो जाता है, आई डिफेक्ट हो जाता है, उसके स्पेक्स में हम लगाते हैं कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, तो जिनको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है उनके जो स्पेक्स होते हैं, चश्मा होते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है? तो आंसर है कन्वेक्स लेंस। दूसरा पढ़िए क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सिंपल कैमरा। भाई किसमें? सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास किसमें यूज करते हो भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे वॉचमेकर बताया, पाल्मिस्ट बताया, वो यूज करते हैं ETC। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेना, पाल्मिस्ट हो गया, वॉचमेकर हो गया, ETC लगा देते हैं उनके, वो यूज करते हैं सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, वो जो लगाते हैं ज्योतिष वाले लगाते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है भाई, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें इनके बनाने के लिए, यानी कि जो ये ऑप्टिकल डिवाइस, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया, अब इसको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, यूजेज हैं कन्वेक्स लेंस के। सुनिए, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में काम आते हैं, जब हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में बात करें, इट इज यूज इन मेकिंग सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरा बनाने के काम में आते हैं। अगला, इट इज यूज इन मेकिंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के काम में आते हैं। और अगला है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, प्रोजेक्टर, जो फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं उनको बनाने में इसमें काम आता है भाई। तो आई होप आपको ये यूजेज याद हो गए होंगे। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस। अब हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस की, जैसे कन्वेक्स लेंस की पढ़ी, ऐसे ही कनकेव लेंस की पढ़ेंगे। दो है लेकिन इसमें इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। देखिए भाई, अब कनकेव लेंस से इमेज कैसे बढ़ाएंगे? तो पहला केस और दो केस, इसमें तो दो ही केस है। कितने केस है इसमें? दो केस है। जैसे कि आपको याद करिए, कन्वेक्स मिरर में होते थे दो केस, तो हमने कनकेव लेंस बनाया। और यहां से आपकी थोड़ा नीचे बना देता हूं, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं हम, कुछ इस प्रकार से बनाया हमने, ये लो भाई। ठीक है, एक और बना लेते हैं, दो बना लेते, दोनों ही केस कर लेते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं। आप सभी जानते हो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, और कनकेव लेंस है तो इसका जो फोकस होते हैं वो दोनों दोनों साइड में है, लेकिन वर्चुअल है। कैसे होते हैं फोकस? इनके वर्चुअल होते हैं। तो ये हमने बना दिया भाई, यहां तक तो आपको समझ में आ रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। इसमें दो केस बनते हमारे पास, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। एक तो केस ये बनता है कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इंफिनिटी पे रखते हैं। और एक केस बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। जैसे मिरर था, कन्वेक्स मिरर सेम है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे वो केस है, और एक बताया हमने कि जब इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखेंगे, तो ये आपको केस करने हैं आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या। ये दो केस आपको आज की क्लास में करने हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस।
तो सबसे पहले मैं रखता हूँ इन्फिनिटी पे, तो लाइट आई इन्फिनिटी से पैरेलली, आप सभी जानते हो इन्फिनिटी से आएंगे तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि पैरेलल है। लेंस है कनकेव, लेंस कौन सा है? कनकेव, और कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, लास्ट क्लास पढ़ा चुका हूं मैं। तो ये क्या करता है, लाइट को ये रिफ्रैक्ट करता है, लाइट को ऐसे बेंड करवा देता है। बट दीज लाइट आर अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस, बट दीज लाइट आर अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये जो इमेजनरी जो लाइन हमने खींची, ये एक दूसरे को यहां काट रही है, तो इमेज कहां बनी आप कह सकते हो? एट करेक्टर की बात करें तो एट एफ, पहला केस। दूसरा, कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जिसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, और इरेक्ट को हम लेफ्ट साइड अपेयर राइट साइड, राइट साइड अपेयर लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटा दिखाई देता, आपको बार बार बता चुका हूं मैं तो, ये वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड। आप कह सकते हो ये कैरेक्टर थे जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया। डायग्राम बनाओ तो ये रे की डायरेक्शन जरूर दिखाना, लाइट इस तरह से गई और फैल गई। अगर अगला केस हम करें तो मान लो ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया, मैंने यहां रख दिया, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख दो, क्योंकि इन फोकस का ट्वाइस ऑफ फोकस का कोई मतलब नहीं बैठता कनकेव लेंस में। तो हमने क्या करा यहां पे, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा ये लाइट गई पैरेलल, और आपको पता था पैरेलल लाइट फैल जाएगी, लेकिन जो ये लाइट फैल रही है ना इस साइड में जा रही है, ये अपेयर होगी कहां से जाती हुई? फोकस से जाती हुई, देख लो आप लोग समझ रहे हो, ये लाइट गई और ये फैल गई, बट दिस इज अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस। एंड सेकेंड लाइट को मैं पास करवाता हूं ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से कोई सा भी लेंस हो, रूल पढ़ाया था, वो सीधी निकल जाती विदाउट डेविएट। तो जहां ये लाइन काट रही है और जहां ये लाइन काट रही है, यहां बीच में इमेज बढ़ जाएगी, जहां एक दूसरे को कटिंग वहां क्या बन जाएगी? इमेज बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो ये इमेज बन गई, क्या बन गई? ये इमेज, ये क्या बन गई? इमेज। तो आप अब इसके कैरेक्टर लिख देते, कैरेक्टर क्या है? सी एच ए आर ए सी टी आर, कैरेक्टर। फर्स्ट है कि जब आपकी इनके बीच में रखी तो इमेज कहां बनी? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। एट एफ आपकी इमेज बनने के लिए कह रहे हैं, या इसको आप एक चीज और बोल सकते हो, सेम साइड में, सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के साइड में बनेगी। यहां पे भी आप कह सकते हो कि सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में बनेगी। दूसरा, अगर कैरेक्टर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट तो रहना ही रहना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड नंबर पे बीच में आ गई तो हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बनेगी, लेकिन डिमिनिश्ड जरूर बनेगी, करेक्टर सारे वही के वही हो गए। तो आप देख सकते हो ये कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन, दो ही इमेज थी, छह कन्वेक्स से कर दी, दो कन्वेक्स से कर दी, टोटल हो गई आठ लेंस की। इसी प्रकार से छह कन्वेक्स कनकेव मिरर से कर दी, दो कन्वेक्स से कर दी, टोटल हो गई आठ मिरर इमेज, टोटल होती है 16 इमेज। आपको 16 इमेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, एग्जाम में समझ लो आपके 3 नंबर तो पक्के हो गए अगर ये 16 इमेज बना लेते हो तो। तो इनको जिन्होंने भी वो पुरानी क्लास नहीं देखी, बार बार कह रहा हूँ उसको जरूर देखिए, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मिरर की इमेज मिले और चाहे लेंस की इमेज मिले, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होता, तो 2-3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो रहे हैं दो वीडियो देख लेने से। तो आई होप आपको ये बात दिमाग में घुस गई होगी, बार बार कह रहा हूँ, तो इनको जरूर देखेंगे, थोड़ी मेहनत जरूर करेंगे इनके ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि यूजेस पढ़ेंगे, अगर ये हमने कवर कर लिया तो इनका अब यूजेस पढ़ लेते हैं, कनकेव लेंस के यूजेस क्या है। जिस प्रकार से कन्वेक्स के बताए थे कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, पाल्मिस्ट यूज करता है, और आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज होते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इन सब में यूज करने के लिए बताया, हाइपरमेट्रोपी अगर ठीक करने के लिए बताया, तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं अब यूजेज ऑफ कनकेव लेंस, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस, सुनिए ध्यान से क्या पढ़ने वाले हैं, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, तो पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स, इट इज यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मतलब ये हो गया कि जो मायोपिया डिफेक्ट है
आंखों से रिलेटेड आप कहोगे, मैं आपने बता दिया मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिक क्या बीमारियां हैं ये, इनके बारे में हम जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। उसके एक वीडियो बना रखी है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्लास टेंथ करके ह्यूमन डिफेक्ट, तो वहां से आप एक बार देख लेना, पूरी वीडियो बनी हुई है मायोपिया से रिलेटेड, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया और भी बहुत सारे आई डिफेक्ट सबकी वीडियो बनी हुई है। तो आपके रिक्वेस्ट है वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की वीडियो एक बार देखिए, उसमें जाके आपको ह्यूमन आई के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी और बात करें इनके डिफेक्ट्स ऑफ आई, इनके बारे में भी डिटेल मिल जाएगी आपको। तो सेकंड नंबर पे यूज लिखते हैं, इट इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो क्या बताया, इट इज यूज एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप था गैलीलियो का, उसमें इसका यूज करा गया आई लेंस के रूप में। थर्ड नंबर पे बात करें, इट इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इनडोर्स। आप देखोगे कि ये स्पाई होल क्या है, देखो आप लोगों ने बिच्छू फिल्म देखी है तो उसमें होता क्या है कि दरवाजा होता, दरवाजा तो वहां क्या करते, दरवाजे में एक लेंस लगा दिया जाता है, नाम है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इमेज को कैसी करता है, तो आपको बता रखा है छोटी इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, हमेशा जब इन्फिनिटी वाला केस बताया तो हाईली डिमिनिश्ड, और जब यानी कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतनी ही छोटी इमेज बनी जाएगी, पास आएगा तो बड़ी होती जाएगी। बड़ी भी क्या होगी कि आपके जो साइज उससे तो छोटी ही बनेगी, तो बताया था ना इन्फिनिटी के और उसके बीच में रखते तो वेरी स्मॉल बनती है, वेरी स्मॉल तो नहीं और दूर होगी तो छोटी। तो यही बात है कनकेव लेंस के, जब आप इसके अंदर हो तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर रखा, जब इसके अंदर से आप देखोगे तो बाहर जो भी बंदा है दरवाजे के बाहर में उसकी छोटी इमेज बन जाएगी, वो आपको यहां से दिख जाएगा, या पूरा ब्राउंडा है तो पूरा ब्राउंडा उसके अंदर से कवर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि बाहर कौन है गेट खोलने से पहले। तो यानी कि ये डोर्स में लगाया जाता है अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे कन्वेक्स लेंस दुकान में लगाया जाता था ना सेफ्टी के लिए, ताकि शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में, ऐसे ही ये यूज किया जाता है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, 8 इमेज करवाई है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस, अब आपका काम बचा है कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से बैठ के 8 के 8 इमेज बनानी है, मिरर की भी बना लेना, ठीक है बेटा। तो देखता हूँ मैं कितने बच्चे बनाते हैं, आई होप यू इन्जॉय दिस क्लास, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।